वेलकम टू SPPS स्कूल। और आज हम बात करेंगे सेलिंग की, जो कि सबसे पेचीदा मामला है और सबसे बड़ा। देखिए, इस समस्या का समाधान, एग्जैक्ट कोई समाधान नहीं है, देर इज़ नो एनी फाइनल सोल्यूशन ऑफ इट, क्योंकि सब बेच रहे हैं। ओके, यदि यही पता होता तो सब बेच रहे होते हैं, पर हम थोड़ा सा जानेंगे। कुछ बुक्स का समरी है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनसे हमने निकाला है कि सेलिंग का क्या तरीका है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी। बाकी 100% गारंटी नहीं है किसी की। यदि कोई कहता है ऐसे तरीके से बेच सकते हो, तो ये तो कस्टमर के ऊपर है ना। तो पहला है फेक एक्साइटमेंट। थोड़ा सा बुरा लगेगा कि गलत सिखा रहे हैं, पर फेक एक्साइटमेंट होनी चाहिए अंटिल रियल एक्साइटमेंट केम। आप तब तक फेक एक्साइटेड रहो। देखो, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेचने जाते हो कस्टमर के साथ, आप ही सड़ा मुंह लेकर जा रहे हो, तो निश्चित है कस्टमर समझ जाएगा कि जब यही खुश नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट का यूज़ करके क्या खुश होंगे, है ना। प्रोडक्ट हो सकता है या कोई सर्विस हो सकती है। तो पहला होना चाहिए आपका फेक एक्साइटमेंट होना चाहिए। ओके, दूसरा आपका होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। देखिए, अपॉइंटमेंट दो तीन प्रकार से हो सकती है। या तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब बात कर सकते हैं, यदि आप किसी बड़ी पॉलिसी सेल कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लंबे समय के लिए हो सकता है। यदि कोई आपको शॉर्ट टर्म कोई प्रोडक्ट है, जैसे खाने का आइटम है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि एक बार टेस्ट कर सकते हैं, है ना, और कब मिल सकते हैं, पहले हम ये बात कर सकते हैं, इन सब के बारे में, ताकि आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाओ बाद में। अपॉइंटमेंट होनी ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट के तरीके आप खोज सकते हैं, किस प्रकार आप बात कर सकते हैं। बहुत ही नम्र बिहेव होना चाहिए आपका। ओके, फिर तीसरा है फाइंड इंटरेस्ट। देखिए, सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ना क्या करते हैं, अन इंटरेस्टेड पर्सन के पास जाते हैं और चीज़ें बेचते हैं। जैसे किसी को चाय नहीं पसंद है और मैं उसके सामने जाकर चाय बेच रहा हूँ, निश्चित है ना कहेगा, है ना। जैसे किसी को, मोस्टली जो हम लोग कर रहे हैं, तो अगर पिज्ज़ा बर्गर नहीं पसंद है, हम उसको पिज्ज़ा बर्गर बेच रहे हैं ज़बरदस्ती, तो ना कहेगा। तो आपको पता करना पड़ेगा उनका इंटरेस्ट किस में है। मान लो उनका इंटरेस्ट कार लेने में है, है ना, और हम बात कर रहे हैं कुछ फालतू की, तो निश्चित है वो ना कहेंगे। तो आपको इंटरेस्ट पता करना है कस्टमर का, कि किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, किस चीज़ की तलाश कर रहा है, या फिर उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो फाइंड इंटरेस्ट इन कस्टमर, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, जो कहते हैं। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं पता होगा तो हम नहीं बेच पाएंगे। फिर आता है नो इज़ नॉट फाइनल लो। ओके, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम गलती करते हैं। यदि किसी कस्टमर ने ना किया, तो हम क्या करते हैं, अब ये इस कस्टमर के पास नहीं जाएंगे। ओके, तो आप उसकी ना फाइनल ना नहीं होती है। हमारे अभी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उन्होंने पहले शुरू में मना कर दिया, पर अभी वो हमसे पूछ रहे हैं और ले रहे हैं, ठीक है, भले ही 1-2 रुपए का ले रहे हैं, पर ले रहे हैं। ओके, तो नो इज़ नॉट फाइनल नो। तो आप ये अश्योर कीजिए कि आपने जो भी जिन कस्टमर से मिले, तो वो उन्होंने अगर ना कहा है तो वो फाइनल नो नहीं है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा चीज़ें देखना पड़ेगा, है ना। क्या देखना है आपको, आपको देखना है कि अभी ये इंटरेस्ट नहीं है, शायद फ्यूचर में इंटरेस्ट आएगा, तो उसे फाइनल कस्टमर ना समझें, आप उनको अपडेट कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ है अपडेट योर सेल्फ। इट्स मीन यू नीड टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट कस्टमर, अबाउट एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू परस्यू। ओके, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। जैसे आपके पास इतना तगड़ा आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके सर्विस में नॉलेज हो कि कस्टमर को समझ में आए कि हाँ, दम है बंदे में। तो आप जब सपोज आप कुछ बेच रहे हो, ओके, जैसे हम चाय बेच रहे हैं, ओके, ये हर बार चाय आ जाता है ना, ओके, सॉरी, जैसे हम बाइक बेच रहे हैं, ओके, और किसी ने पूछा कि इसका माइलेज क्या है, इसका टायर कौन सा है, इसका मीटर कैसे कवर करते हैं, और कई चीज़ें हैं ना, और आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं मालूम है,
तो यू नीड टू नो अबाउट द टेक्निकलिटीज सो दैट यू कैन इन्फॉर्म देम द रियल इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव टू देम, तभी वो जानेगा अच्छा अपने काम में मास्टर है। जैसे अगर कोई आप प्रोडक्ट है, इटेबल प्रोडक्ट है और आपको पता ही नहीं कैसे बनता है या फिर आपके उसको बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप क्या समझाओगे। तो अपडेट योरसेल्फ और कीप अपडेटिंग, हमेशा आप अपने आप को फुली अपडेटेड रखो। जो भी चीज़ हम लोग, जैसे मैं यदि किसी वीडियो पर बात कर रहा हूँ तो निश्चित है मैं उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे बहुत रिसर्च करता हूँ, मतलब हफ्तों की महीनों की रिसर्च होती है तब जाके एक वीडियो बनता है। ओके, बहुत सारे नोट्स अभी तैयार हैं, उन पे फिर रिसर्च करते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में तो नॉलेज रखनी पड़ेगी, इसका मतलब अपडेट योरसेल्फ। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक फील देम इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एवरीवन। हर इंसान का एक जो विश है वो ये है कि वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको उनको इम्पॉर्टेंट बताना पड़ेगा कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, जैसे और ना हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कस्टमर्स का ना नाम नहीं याद रखते और उनका इंटरेस्ट कहाँ मिले थे। तो देखिए, इसका अच्छा एक मेथड है, किसी बुक में मैंने पढ़ा है, अगर आएगा तो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा। इरा, इसका मतलब इम्प्रेशन, रिपीटेशन एंड एसोसिएशन। तो इस प्रकार आप किसी भी व्यक्ति का नाम और उसका आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिला, ओके, जैसे मैं कैफ़े पे मिला, ओके, तो मैंने मिला मान लो विमल से, तो विमल फिर कैफ़े का नाम याद कर लिया, ओके, उन्हीं के नाम से मैंने नंबर सेव कर लिया। तो ये हो गया इम्प्रेशन, कि एक इम्प्रेशन बना दिया कि इधर मिले थे या फिर यहाँ, और उनका नेम। ओके, फिर आपको रिपीट करना है, मतलब अगर कस्टमर को, ये नहीं कि आपने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया है ना, यू नीड टू नो हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट हैपेंड विद द प्रोजेक्ट एंड आई थिंक कि ये सब अच्छा चल रहा होगा एंड ऑल दैट। फिर आपको ना रिपीटेशन के साथ फिर आपको एसोसिएशन करना पड़ेगा, मतलब देखो उनका कुछ ना कुछ बेस्ट होगा, या फिर यू कैन आस्क टू हिम टू प्रमोट योर वर्क, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यू कैन आस्क टू एंड यू कैन ऑल्सो बी एसोसिएट विद देम, ताकि देखिए उनके भी काम में आप मदद कर सको और आपके काम में भी वो मदद करेंगे। तो इरा इज़ द बेस्ट फॉर्मूला टू लर्न एंड टू रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, फिर आता है ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्टी ही सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं अगर टकले को कंघी आपने बेच दिया तो आप सबसे बड़े सेल्समैन हो। देखिए, आप मूर्ख बनाकर एक ही बार प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या एक ही बार सर्विस दे सकते हैं, ऐसे तो फिर बहुत सारे लोगों को लोग सेलिंग जानते हैं। तो सेलिंग शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, सेलिंग लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म। अगर आप लंबे समय तक आप जुड़े हुए हो या फिर कुछ बेच रहे हो तब आप सेल्समैन हो। एक बार बेच दिया, सपोज़ 20 ही टकले हैं पूरे दुनिया में, आपने बेच दिया, फिर उसके बाद तो देखिए यदि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से वो खुश होता है तो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट है, वो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट हैं सारे जो सेलिंग में मदद करते हैं, और यही नहीं है पर ये बेसिक्स हैं और ये फंडामेंटल्स हैं कह सकते हैं, और ये ज़्यादातर ग्रो करने में मदद करते हैं ये पॉइंट्स। ओके, बाकी आपकी सर्विस और प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ चीज़ें तय होती हैं, वो आप देख सकते हो, यू कैन चूज़ योर ऑन वे इंस्टेड ऑफ दिस, बट दीज आर द बेस्ट। ओके, आई होप। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट पे या किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, यदि चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन पर रिसर्च करके आपके सामने लाने की। और थैंक यू।